तो अभी हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के फेमस सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में। भोसले इंस्टीट्यूट में आज सुबह से चहल पहल कुछ ज़्यादा है, रौनक कुछ ज़्यादा है, बच्चे कुछ ज़्यादा आए हैं और सब लोग काफ़ी खुश हैं। जी हाँ, यहाँ तक कि निशिकांत और राव साहब ये सोच के परेशान है कि तैयारियाँ अच्छे से है ना, सूर्यकांत सर का लेक्चर होने वाला है, हमारे इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे हैं जो IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, आज बच्चे भी बोल रहे हैं कि आज इतने सारे स्टूडेंट क्यों आए हैं, तो कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सूर्य प्रकाश सर को अपने क्लास में 100% उपस्थिति देखना अच्छा लगता है, नहीं तो वो चले जाएंगे। जी हाँ, सब लोग बहुत खुश हैं। सूर्य प्रकाश सर की गाड़ी आती है, लेकिन भोसले इंस्टीट्यूट के अंदर जाने से पहले गेट पे लिखा वो बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा हुआ है IAS चाय वाला। सूर्य प्रकाश सर सबसे पहले उस बोर्ड को देखते हैं, उसके बाद नीचे उतरते हैं। तब तक शुक्ला जी कहते सर आइए ना, चाय पीजिए ना। तब तक नजर पड़ता है अंदर उस लड़की पे, जो लड़की बैठकर पढ़ाई कर रही है। आखिरकार वो लड़की कौन है? तो वो है सभी चव्हाण, जो चाय की दुकान के अंदर बैठकर पढ़ाई कर रही है, क्योंकि आज ही ईशान भोसले आए थे और डाइवोर्स का पेपर लिख देकर गए थे। अब जैसे ही अंदर जाते हैं सूर्य प्रकाश सर, तब तक अब कहते हैं शुक्ला जी कि सभी देखो कौन आया है। तो सभी कहती है शुक्ला दादा मुझे परेशान मत कीजिए, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। इस दौरान क्या होता है कि सूर्य प्रकाश सर को शुक्ला जी बताते हैं कि इंस्टीट्यूट की टॉपर है, लेकिन अब मन ही मन सूर्य प्रकाश सर कहते हैं कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक कॉलेज की टॉपर को चाय की दुकान खोल कर बैठना पड़ रहा है, उसमें पढ़ना पड़ रहा है। आखिरकार भोसले इंस्टीट्यूट वाले ने इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया? उसके बाद जैसे ही अब देखते हैं कि वो लड़की कितना लगन से पढ़ रही है, मतलब बाहर क्या है उसे कोई ध्यान नहीं, उसे बस इस बात का ध्यान है कि उसे बस पढ़ना है। और ये देखकर अब सूर्य प्रकाश सर को बहुत अच्छा लगता है और सभी को कहते हैं कि सभी तुम चलो भोसले इंस्टीट्यूट में। सभी कहती है मैं नहीं जा सकती वहाँ पे, अपनी पूरी बातें बताती है कि वहाँ से मुझे बैन कर दिया गया, वहाँ जाऊँगी तो सबका मूड खराब होगा, बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन सूर्य प्रकाश सर कहते हैं मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ ना, आज मेरा लेक्चर है, मेरे गए बिना लेक्चर कैसे होगा, और मैं अपने लेक्चर में तुम्हें खुद इन्वाइट कर रहा हूँ तो तुम्हें चलना पड़ेगा। अब सूर्य प्रकाश सर सभी का हाथ पकड़ के लेकर जाते हैं भोसले इंस्टीट्यूट में, जहां पे अभिषान भोसले, निशिकांत भोसले और जो राव साहब हैं वो देखते हैं। अब देखिए अब इन तीनों का क्या रिएक्शन होने वाला है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।